नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आपका आपके अपने चैनल इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू में। दोस्तों, इंसान के शरीर में दो किडनियां होती हैं, जिनका मुख्य काम रक्त को शुद्ध करके विषैले पदार्थों को अलग करना होता है। ये विषैले पदार्थ यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। किसी कारणवश जब किडनियों की रक्त शुद्ध करने और विषैले तत्वों को बाहर निकालने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो समझ लीजिए कि आपकी किडनी यानी गुर्दे खराब हो चुके हैं। और दोस्तों, आज के इस पैकेज में हम आपको यही बताएंगे कि किन पांच वजहों से किडनी खराब हो सकती है। सबसे पहली वजह है अधिकतम नमक का सेवन। ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे किडनी पर लोड पड़ता है और ये किडनी के खराब होने की वजह भी बन सकता है। दूसरी वजह है डायबिटीज। ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ने से किडनी पर फिल्टर करने का लोड बढ़ता है, इससे भी किडनी फेल हो सकती है। तीसरी वजह है टेंशन। अक्सर तनाव या फिर डिप्रेशन की वजह से पैदा होने वाले हार्मोन किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। चौथा है बेकार लाइफस्टाइल। इसके लिए आपकी बेकार लाइफस्टाइल भी जिम्मेदार हो सकती है। जब आप ज्यादा फास्ट फूड का सेवन करते हैं, तो उनमें मौजूद विषाक्त पदार्थों को किडनी फिल्टर नहीं कर पाती, जिस वजह से किडनी के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। और आखिर में आपको बताते हैं कि किडनी खराब होने का एक बड़ा कारण ड्रिंकिंग और स्मोकिंग भी हो सकता है। ज्यादा शराब और सिगरेट पीने से रक्त में विषाक्त पदार्थ घुल जाते हैं, जिन्हें हमारी किडनी शुद्ध नहीं कर पाती है। इससे किडनी फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखें। हेल्दी सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू फॉर लेटेस्ट हेल्थ टिप्स वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।